ये सिंधी टीम की ओर से स्वागत है। ये आज शुरुआत करते हैं 26 जनवरी के क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन भारत और जापान के रिलेशन पे है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें उसने पूछा है कि भारत और जापान के बीच में आने वाली संबंधों की परेशानियां क्या है और इस संदर्भ में जो कदम उठाए जा सकते हैं उसका विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन लिखने से पहले आप उनके की वर्ड पर ध्यान दीजिए। इसके क्वेश्चन के की वर्ड है भारत और जापान, उसमें चरम सीमा से पहुंचने वाली क्या परेशानियां हैं और परेशानियों के साथ साथ इसका क्या विश्लेषण कदम उठाए जा सकते हैं। क्वेश्चन देखते ही आपको लिखना चालू नहीं हो जाना है। क्वेश्चन देखते ही आपको ये पहले समझना होगा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एक्चुअल ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिमांड सीधी साधी है, चरम सीमा से पहुंचने वाली क्या परेशानियां हैं और उनका सीधे सीधे समाधान बताइए। एक बार डिमांड मालूम होने के बाद आपको ये पता लगाना है कि उसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए कि ताकि आपका हर पैरा एक दूसरे से लिंक हो। ऐसा नहीं कि आपने कभी पैरा कोई कुछ और डाल दिया, कभी समाधान लिख रहे हैं, समाधान के साथ 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 आप उपाय भी दे रहे हैं और फिर उपाय के बाद आपने वापस समाधान या परेशानी देना चालू कर दिया। इसलिए अप्रोच आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्वेश्चन में क्या सोचते हुए अप्रोच लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन के सब तीन पार्ट सबको मालूम है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन भी एक आर्ट है किस तरह लिखते हैं, क्योंकि आज के 200 वर्ष में ही आपको लिखना है, तो 200 वर्ष में आपको इंट्रोडक्शन में वही पार्ट लिखना है जो क्वेश्चन ने पूछा है। तो ये आपकी आर्ट है कि आप प्रस्तावना, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, कैसे प्रस्तुत करें। क्वेश्चन है कि चरम सीमा से पहुंचने से क्या बाधाएं जो उसको रोक रही है, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन में ये बताना पड़ेगा कि क्या भारत और जापान के रिलेशन चरम सीमा पे नहीं है। अगर नहीं है तो क्या आपके पास प्रूफ है। नाउ आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत इस तरह कर सकते हो कि भारत और जापान, इसके कई तरीके हैं। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि भारत और जापान जिनकी विश्व में जो थिंकिंग है वो मैच करती है। क्यों? दोनों डेमोक्रेसी है, दोनों वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म चाहते हैं और दोनों के लिए मार्केट एक दूसरे के पूरक है। जापान जहां मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को सहायता कर सकता है और इंडिया उसके लिए एक डिमांड के तौर पे है, वहीं इंडिया जापान को आईटी में मदद दे सकता है। फिर भी दोनों के रिलेशन अभी भी इतने प्रगाढ़ नहीं है इकोनॉमिक क्षेत्र में। अब आपने ये लिख तो दिया, परंतु अब इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए आपको डाटा देना पड़ेगा। क्या वास्तव में ही रिलेशन प्रगाढ़ या चरम सीमा पे नहीं है? तो इसके लिए आप फैक्ट देख सकते हैं। जैसे अगर मैं 1996 से 2015 में निवेश की बात करूं, चाइना में जापान का इन्वेस्टमेंट है 116 बिलियन डॉलर और वहीं भारत में मात्र 24 बिलियन डॉलर। और इसी हिसाब से अगर मैं 2015-16 में इन्वेस्टमेंट एफडीआई की बात करूं इंडिया में, तो जापान फोर्थ रैंक पे है और उसमें भी जो जापान का 2015-16 में जो इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो किया है वो ओनली 30% के आसपास है। वहीं सिंगापुर और यूएस, उनका जो एफडीआई है वो कई मायनों में जापान से आगे है। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि नहीं, चरम सीमा की संभावना है, फिर भी वो आगे रिलेशन नहीं बढ़ पाए। अब दूसरा लिखने का तरीका यह हो सकता है कि भारत जहां 3D इंपॉर्टेंट है, 3D कौन से? डेमोग्राफी, डिमांड और डेमोक्रेसी, और जापान के लिए जो इंपॉर्टेंट है और जापान और इंडिया रिलेशन जो 1997 पे प्रगाढ़ पे पहुंचे हैं, उसके बाद भी जापान के लिए इंडिया इतना विश्व में सहायक नहीं हो पाया है और इंडिया रिलेशन इतनी चरम सीमा पे नहीं पहुंच पाए हैं। नाउ इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि चरम सीमा पे नहीं पहुंच पाए हैं, उसके बाद आप लिखें कि क्या क्या बाधाएं हैं। नाउ बाधाएं क्या क्या हो सकती है? बाधाएं हैं कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन। तो कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन आपने लिख दिया कि रेड टेपिज्म इंडिया में जो उसको बाधाएं आती है। अब इसमें लिखने से काम नहीं चलेगा कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, इसमें आपको समझाना है। अगर कोई आपके पास रिपोर्ट के हाइलाइट्स हैं, जैसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको रिपोर्ट को यहाँ कोट कर सकते हैं और उसमें भी जो आर्बिट्रेशन होता है उसमें कितनी परेशानियां आती हैं उसको भी यहाँ कोट कर सकते हैं। ना दूसरा है लॉजिस्टिक चैलेंज। लॉजिस्टिक चैलेंज में क्या? पावर की प्रॉब्लम। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग चाहिए तो 24/7 रिलायबल पावर चाहिए, उसकी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जो पोर्ट्स पे प्रॉब्लम है, जो गुड्स का कैरी होना है उसके मूवमेंट में जो प्रॉब्लम है,
वो यहां कोट करना होगा। तीसरा, तीसरा है जापान ने यहां इन्वेस्टमेंट कर भी दिया फिर भी प्रोजेक्ट कितने डिले हो रहे हैं। अब प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन और लॉजिस्टिक की वजह से हो रहे हैं, फिर भी इसमें राज्यों का क्या रोल है, इसमें ये आपको कोट करना पड़ेगा कि इसकी वजह से भी भारत और जापान की रिलेशन जो है चरम सीमा पे नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा और सबसे महत्वपूर्ण बात है फिजिकल कनेक्टिविटी, क्योंकि इंडिया और जापान के बीच कोई डायरेक्ट फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से भी ये रिलेशन हैम्पर हो रहे हैं। इसके अलावा जो विश्व में और भारत और जापान के बीच में इश्यू चल रहा है, लाइक अभी जो WTO में केस चल रहा है स्टील इंपोर्ट का, वो भी आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। एक बार चैलेंज हाईलाइट करने के बाद आपको बताने क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। नो, इस स्टेप में आप क्या क्या हवाला दे सकते हो, इस स्टेप में आप जो 5-point एजेंडा है जो जापान की तरफ से, वो यहाँ हाईलाइट करा सकते हो। 5-point एजेंडा क्या है, इस 5-point एजेंडा में है पहला कि मैं आई हेल्प यू जो स्प्रिट है जापान की वो, दूसरा नेशनल लेवल पे क्या कोऑर्डिनेशन हम सेटअप कर सकते हैं, तीसरा हम किस तरह आधारभूत संरचना पे ध्यान दे सकते हैं, चौथा डेवलपमेंट ऑफ डेडिकेटेड जो जापानी इंडस्ट्रियल है टाउनशिप है उसको कैसे यहाँ प्रमोट कर सकते हैं, और हम सामरिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये 5-point एजेंडा भी नहीं पता है तो आप इन जनरल पॉइंट्स बता दीजिए, बट उन पॉइंट्स में उन बिंदुओं को लिखिए जिसमें भारत और जापान बहुत ही आगे हैं और उन दोनों में उनको आवश्यकता है। जैसे IT में इंडिया बहुत आगे, जापान मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे, तो इंडिया कहाँ उस फील्ड में मदद कर सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में जापान आगे है परंतु उसको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए जो पहले से ही वो परेशानी झेल रहा है चाइना से। चाइना ने 2010 में उसका प्रोडक्शन रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। तो इंडिया में अपार संभावना है रेयर अर्थ मिनरल की, बट इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सप्लोर करने की, तो कहाँ कैसे जापान सहयोग दे सकता है, कैसे वो एक दूसरे में जो परेशानी आ रही है वो मिनिस्ट्रियल लेवल पे कोऑर्डिनेशन सेटअप करके परेशानियां दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में जो परेशानी आ रही है तो कैसे हम डेडिकेटेड पावर सप्लाई उनको दे सकते हैं। इसके होने के बाद आपने जब चैलेंज बता दिए तो उसके बाद आप कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपको जो चैलेंज जो आपने बताए हैं, जो आपने स्टेप्स दिए हैं, इसका एक फ्यूचर प्रोजेक्शन देना है तो कि क्यों भारत और जापान को अपने रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जापान और भारत की विश्व में जो थिंकिंग वो एक है, दोनों ये चाहते हैं कि मल्टीपोलर एशिया हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, जहां चाइना की डिमांड है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो परंतु यूनिपोलर एशिया हो, और वैसे ही US की क्या डिमांड है, US की डिमांड है यूनिपोलर वर्ल्ड हो परंतु मल्टीपोलर एशिया हो। तो किस तरह जापान और इंडिया की थिंकिंग सेम है, और किस तरह जापान के लिए एक इंडिया, जापान और इंडिया एक दूसरे के लिए पूरक का काम कर सकते हैं, और क्यों उनको रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरह लिखते हुए आप क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं।